डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम एनिमल किंगडम की मेजर सब डिवीजेंस के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली एनिमल किंगडम जिसको हम किंगडम एनिमेलिया भी कह देते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती और इसको अबाउट जितने भी एनिमल हैं उसका 98% परसेंट जो है वो हैं इनवर्टिब्रेट इस डायग्राम में या फिगर में आप ये देखें इनवर्टिप्रेट्स स्पॉन्जिस प्लेटवर्म्स जेलीफिश स्नेल स्टारफिश श्रिम स्पाइडर ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं इन्वर्टिप्रेट बहुत ही खूबसूरत किंगडम है जिसके अंदर ये इनवर्टिब्रेटा के कलरफुल और खूबसूरत एनिमल्स जो हैं वो मौजूद हैं वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स क्या होंगे ये सिर्फ एनिमल का टू परसेंट को रिप्रजेंट करते हैं इसमें जो मेजर फाइला है वो है कॉर्डेटा और इसमें इंक्लूडेड हैं फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स यहाँ देखें आप फिशेस एक्वेटिक मीडियम में रहेंगी बर्ड्स फ्लाइंग हैं एम्फीबियंस जिनका डबल मोड ऑफ है कि ये वाटर में भी रहते हैं और टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रेप्टाइल्स मैमल्स मैमल्स भी आपको पता है कि ये लैंड पे भी रहेंगे कुछ फ्लाइंग मैमल्स भी होंगे कुछ ऐसे हैं जो कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी हमें नज़र आते हैं तो वर्टीब्रेड्स क्या हैं एनिमल्स विद बैकबोन अब बात वर्टीब्रेड्स की हो रही है तो वर्टीब्रेड्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि ये एडवांस्ड एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर हैं यूकेरियोटिक हैं इन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी इनके अंदर एक ख़ास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड होगा जो कि मैमल्स के, के ग्रुप में ख़ास तौर पे हर एक ग्रुप के अंदर वेरी करता है फिर ये एनिमल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं इन एनिमल्स में सिस्टम्स जो हैं डाइजेस्टिव रेस्पेरेट्री न्यूट्रिटिव सिस्टम नर्वस सिस्टम स्केलेटल सिस्टम ये सारे के सारे वेल well डेवलप्ड होंगे इसके अलावा इन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और इनके अंदर सेक्स सेल्स जो हैं वो हैप्लॉयड हैं और दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। सिमिलरली ये एनिमल्स जो कि हायर लेवल्स के हैं मोर कॉम्प्लेक्स हैं इनके अंदर इंटरनल टिश्यूज और ऑर्गन्स दे आर अरेंज डिफरेंटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हाईली एडवांस्ड एनिमल्स हैं तो सिस्टम्स भी वेल well डिवेल्प्ड होंगे स्केलेटल सिस्टम वेल डिवेल्प्ड है मस्कुलर सिस्टम वेल डिवेल्प्ड है सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर ऑल वेल डिवेलप्ड इन वर्टीब्रेड अब इनकी कुछ ट्रेडिशनल ग्रुपिंग की गई है जोलोजिस्ट ने टेक्सोनोमिस्ट ने वर्टिब्रेट्स की कुछ ग्रुपिंग करती है अब उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि ब्रांच ए में है मिसोजुआ ब्रांच बी में है पैराजवा पैराजो में आते हैं पॉरीफ्रा स्पॉन्जिस ब्रांच सी इसके अंदर हैं यूमेटाजा यानी इसके अंदर हैं रेडिएटा और बायलेट्रिया, फिर इसके अंदर हैं प्रोटोस्टोमिया इसके अंदर आएंगे एसिलोमेट्स प्लेटिहेलमेंथिस ग्नेथोस्टोमुलाइडा और निमर्टिया सूडोसिलोमेट्स इसमें भी मुख्तलिफाइलें हैं रोटीफ़्रा मौजूद हैं यूसिलोमेट्स इसके अंदर मुलस्का एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, डिटीरोस्टोमिया इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइला है वो है एकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा स्पॉजिस स्पॉजस जो हैं फाइलम पॉरीफ्रा से बिलोंग करते हैं अब ये सारे स्मेरिकल जो है होंगे कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी और इनके अंदर पोर्स मौजूद हैं फिर है कनाइडेरियंस कनाइडेरियंस जो हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं वो है जेलीफिश कोरल सी एनिमोन्स हाइड्रा इनमें रेडियल सिमेट्री है कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है ज़्यादातर जो कनाइडेरियंस हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं फिर हैं फ्लैट वर्म्स प्लेनेरियंस जो हैं जो के फाइलम प्लेटी थिंग्स से बिलोंग करेंगे इसकी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म्स सिंपल है सिमेट्री है लाइक बॉडी गट है डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वेल डेवलप्ड है यहां से अब आप देखें मेजर सब डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम स्पॉन्जिस नाइडेरियंस फ्लैटवर्म्स राउंड मोलस एनिलिड्स आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे फिर आप ट्रीज़ देखें इनकी मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स देखें एस मेट्रिकल हैं रेडियल मिट्रिकल हैं बायोलेट्रल्स मेट्री है कंप्लीट गट है बॉडी कैविटी है रेडियल मिट्री एकाइनोडम बायोलेट्रल्स मिट्री और एंड पे जो सबसे हाईएस्ट ग्रुप है वर्टिब्रेड का दैट इज़ ह्यूमन बींग